मैं अभी नैना मेरे को भाव दिखा रही है, तो मैं उसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके पीछे एक मकसद है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये आ चुकी है इसके सामने, बिल्कुल नहीं बताऊँगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये मान जाए, बस सॉरी भी बोल रहा हूँ, और जैसे आपने देखा डैड के पैर भी छू रहा हूँ इसके, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये बस मान जाए एक बारी। पर क्यों मना रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता, तो शायद हम सब मिल के एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा क्यों मना रहा हूँ मैं। नैना का ज़्यादा ध्यान उसके पापा पे था, वो गिफ्ट से ज़्यादा, क्योंकि पापा अचानक से आ गए थे और वो मुझे गिफ्ट के साथ ना पकड़ लें वो ज़्यादा डर था, वो जेन्युइन वाला डर था। तो नैना का मोस्ट ज़्यादा रिएक्शन उस तरफ था, वो गिफ्ट से ज़्यादा। फाइनली पापा तो क्लास में आ ही गए थे। पापा का काम ही वही है, इनके पापा घूमते रहते हैं ना पूरे टाइम, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, पीछे नहीं छोड़ते हैं इसको उनका रंगे हाथों पकड़ने के लिए। वो पकड़ नहीं पाएंगे लेकिन। कुछ एडवाइस भी दिलाते हैं। वो तो वैसे भी किसी लड़के से मुझे बात नहीं करनी चाहिए, और इफ इट्स अमीर बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा, तो इसकी तरफ से मुझे देखना भी नहीं है, ऐसा मेरे पापा ने मुझे बहुत क्लियर क्लियर बोल के रखा। समीर का बर्थडे भी आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो अभी तक तो नैना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर समीर का बर्थडे आता भी है तो नैना इतनी गुस्सा है कि उसे वहाँ नहीं जाना होगा। थैंक यू। फैमिली को कन्विंस कर रही हूँ पार्टी में इसको ले जाने के लिए, तो झूठ तो नहीं बोल रही बट कहीं ना कहीं इसको कन्विंस कर, इसको लेके जाने के लिए झूठ बोल रही हूँ। नैना के लिए नहीं दुविधा आ गई है, समीर के लिए वापस एक बार फैमिली से झूठ बोलना पड़ रहा है। उसमें नया तो कुछ नहीं रहा, बिकॉज नैना अभी समीर के लिए बहुत बार झूठ बोल चुकी है, वो सिर्फ समीर के लिए ही झूठ बोल चुकी है और वो समीर के लिए ही झूठ बोलती है, तो एक और बार बोलना पड़ रहा है तो उससे बोल रही है। मैंने कम्स टू समीर तो नैना कुछ भी कर सकती है। इस बार किस वजह से झूठ बोलना पड़ेगा? ये उन दिनों की डेटिंग है एक्चुअली, तो ये उन दिनों की डेटिंग के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। प्लीज जस्टिफाई हिज बर्थडे एंड ऑल। तो समीर का बर्थडे है इसलिए नैना को उसकी पार्टी में जाना है, समीर ने उसे इन्वाइट किया है और अपने घर पे तो बोल के जा नहीं सकती, तो इसलिए बस इसने मेरा साथ दे दिया, जा लिया। तो इतिहास गवाह है, जब जब झूठ बोला है बहुत गंदी तरह से बैंड बजे, तो इसमें भी कुछ सीन है ऐसा? मैं फिर से यही कहूँगी, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं बर्थडे में जाने भी वाली हूँ कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता, बट मैं ट्राई पूरा कर रही हूँ। आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, बैंड बजेगा या नहीं बजेगा वो आपको देखना पड़ेगा। एज अ फ्रेंड कितना सपोर्ट करेंगे आप नैना को? मैं तो 100% दूंगी अपना। इसे कुछ नहीं पता है बाय द वे, ये खुद समीर पर लाइन मारती है और ये अपनी सेटिंग करने में लगी है। प्लीज थैंक यू।